अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज आप लोगों ने ये जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। इसके पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं आज आप लोगों ने। व्हाई इज़ फ्रेश वाटर इम्पोर्टेंट? फ्रेश वाटर क्यों अहम है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। तमाम लिविंग थिंग्स हो जो जानदार हैं, तमाम उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स, फिश, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू ग्रो। इन सबको ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत है। प्लांट्स को भी, फिश को भी, इंसेक्ट्स को, परिंदों को, जानवरों को। आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर। हमारे जिस्म को भी पानी की ज़रूरत होती है। वाटर मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी। हम लोगों की बॉडी का 2/3 पार्ट जो है वो वाटर पर ही मुश्तमिल है। वाटर हेल्प्स अस इन सेवरल वेज। इस तरह से पानी हमारी बहुत ज़्यादा चीज़ों में मदद करता है, जैसे कि डाइजेशन में मदद करता है हमारे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ मोस्ट ऑफ़ द फ्रेश वाटर फाउंड? फ्रेश वाटर जो ज़्यादातर है वो कहाँ पर पाया जाता है? मोस्ट ऑफ़ द फ्रेश वाटर इज़ फ्रोज़न। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर है वो फ्रोज़न है, यानी कि जमा हुआ है। द फ्रोज़न वाटर इज़ फाउंड इन माउंटेन्स। और ये जो फ्रोज़न वाटर है ये कहाँ मौजूद होता है? माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर। इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स की शक्ल में। फ्रेश वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड इन स्ट्रीम्स। फ्रेश वाटर जो है नदियों में भी, रिवर्स, दरियाओं में, लेक्स। लेक्स भी नदियों को ही, दरिया नदियों को ही कहते हैं। एंड पाउंड और एंड पाउंड्स में पाया जाता है। ये 2 शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके, ये आप लोगों ने याद करने हैं। थैंक यू।